आज हम वह भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में अंतर देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि भ्रूण कोश जिसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं और भ्रूण कोश जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं। तो सबसे पहला दोनों में अंतर है कि जो भ्रूण कोश होता है ये हैप्लॉयड होता है, जबकि जो भ्रूण कोश होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है। ठीक है, भ्रूण कोश जो होता है वो जो है बीजांड में पाया जाता है, जबकि भ्रूण कोश बीजों में पाया जाता है। भ्रूण कोश का निर्माण निषेचन क्रिया से पूर्व होता है और भ्रूण कोश का निर्माण निषेचन क्रिया के पश्चात होता है। भ्रूण कोश में भोजन संचित नहीं होता है और भ्रूण कोश में भोजन संचित रहता है। भ्रूण कोश में प्रतिमुख कोशिकाएँ, अंड कोशिका, सहायक कोशिका तथा मध्य में दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, जबकि भ्रूण कोश में इस प्रकार की रचनाएं नहीं होती हैं, सभी कोशिकाएं समान प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट है कि भ्रूण कोश का निर्माण, एम्ब्रियो सैक का निर्माण जो है वो सक्रिय दीर्घ बीजाणु में होता है। और दूसरा सिस्टम है कि जो भ्रूण कोश है इसका निर्माण द्वितीयक केंद्रक तथा नर युग्मक के संयोजन से बने प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक से होता है। अगला हमारा जो डिफरेंस है वो बीजांड तथा बीज में अंतर है। बीजांड जो है, बीजांड वास्तव में अंडाशय में निषेचन से पूर्व पाए जाने वाली महाबीजाणु धानी यानी मेगा स्पोरेंजियम है, जबकि जो बीज है, बीज का निर्माण फल से होता है। बीजांड के निषेचन के पश्चात बीज में बदलता है। दूसरा है, नेक्स्ट अंतर है, बीजांड के चारों ओर एक या दो आवरण होते हैं और इधर बीज के चारों ओर बीजावरण होता है। इसमें बाह्य आवरण को बीज चोल या टेस्टा कहते हैं तथा भीतरी आवरण को अंतः कवच या टेगमेंट कहते हैं। इसका निर्माण बीजांड के आवरणों के सूख जाने से होता है। नेक्स्ट अंतर है कि बीजांड में भ्रूण कोश होता है, जबकि बीज में भ्रूण कोश नहीं होता। नेक्स्ट डिफरेंस है, बीजांड में मुख्य उत्तक बीजांड का है, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, होता है। बीज में बीजांड काय अनुपस्थित अथवा पतली परत के रूप में होता है, जिसे पेरी स्पर्म कहते हैं। बीजांड में एम्ब्रियो नहीं होता है, बीज में एम्ब्रियो होता है। बीजांड में भ्रूण कोश नहीं होता, बीज में भ्रूण कोश हो सकता है। बीजांड का अंकुरण नहीं हो सकता, उचित परिस्थितियों में बीज अंकुरित होकर तथा ये एक पौधा बनता है। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखेंगे भ्रूण और बीज में। भ्रूण यानी जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं और सीड, तो एम्ब्रियो निषेचन के पश्चात बने युग्मनज में के भ्रूण का विकास होता है। निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज का विकास होता है। नेक्स्ट है, भ्रूण वास्तव में बीज का ही अंश है और इसी के अंदर सुरक्षित रहता है। बीज भ्रूण का अंश नहीं है, बीज एक स्वतंत्र रचना के रूप में फल के अंदर रहता है। एम्ब्रियो के अंदर कोई अन्य रचना नहीं होती है। सीड में एम्ब्रियो के अतिरिक्त भ्रूण कोश, बीजांड काय आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भ्रूण बीज के अंदर ही सक्रिय रहता है, बीज से पृथक करके इनका भूमि में अंकुरण नहीं होता और प्राय नष्ट हो जाता है। बीज के अंकुरण से नया पौधा बनता है। तो अब आपको हनुमान क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बीज पत्ताधार और बीज पत्रोपरिक में विभेद यानी डिस्टिंक्शन बिटवीन हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल में डिफरेंस जानेंगे। सबसे पहला है बीज पत्ताधार, जिसको हाइपोकोटाइल कहते हैं। यह भ्रूण के बीजाच का वह भाग होता है जो बीज पत्री गांठ व मूलांकुर के मध्य स्थित होता है। बीज
पत्रोपरिक जिसको इपिकोटाइल कहते हैं, ये भ्रूण के बीजाच का वो भाग होता है जो बीज पत्री गांठ जिसको कॉटिलेडोनरी नोड तथा प्रांकुर के मध्य स्थित होता है। दूसरा है बीज के अंकुरण के समय बीज पत्राधार में तीव्र वृद्धि होने के कारण बीज पत्र मृदा से ऊपर आ जाते हैं, जैसे अरंडी सेम आदि में, जबकि बीज के अंकुरण के समय बीज पत्रोपरिक में तीव्र वृद्धि के कारण बीज पत्र मृदा में रह जाते हैं, जैसे मक्का चना और सेम। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल में विभेद, डिस्टिंक्शन बिटवीन पोलियोक्टाइल एंड पोलियोराइजा। प्रांकुर चोल एक बीज पत्ती भूणीय अक्ष से बीज पत्र स्कूटेलम के जुड़ाव स्थल से ऊपर भूणीय अक्ष का बीज पत्रों पर तथा प्रारोह शीर्ष कुछ आद पत्रों में आवृत होता है, इसे प्रांकुर चोल कहते हैं। मूलांकुर एक बीज पत्री भूणीय अक्ष से बीज पत्र जिसको हम स्कूटेलम के जुड़ाव स्थल से नीचे भूणीय अक्ष का बीज पत्ताधार तथा मूलांकुर शीर्ष आवरण से आवृत होता है, इसे मूलांकुर चोल कहते हैं। सेकंड है प्रांकुर चोल प्रांकुर की सुरक्षा करता है, मूलांकुर चोल मूलांकुर की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट डिफरेंस है अध्यावरण तथा बीज चोल में अंतर। अध्यावरण जिसको इंटेगुमेंट कहते हैं और बीज चोल जिसे टेस्टा कहते हैं। अध्यावरण बीजाण के ऊपर एक संरचनात्मक आवरण है, आवरण भूण होकर बीजावरण बनाते हैं जिसे बीज चोल कहते हैं। सेकेंड डिफरेंस है अध्यावरण या कम कठोर होता है और बीजाण की सुरक्षा करता है, जबकि जो बीज चोल होता है यह अधिक कठोर होता है और यह भ्रूण की सुरक्षा प्रदान करता है। थर्ड है अध्यावरण की कोशिकाएं जीवित होती हैं, बीज चोल की कोशिकाएं मृत होती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखेंगे परिभ्रूण कोष तथा फल भित्ति में विभेद, डिस्टिंक्शन बिटवीन पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि परिभ्रूण कोष कुछ बीजों में बीजांड का एक पतले आवरण के रूप में बचा रह जाता है, इसे परिभ्रूण कोष कहते हैं, जैसे काली मिर्च में। फल भित्ति निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल भित्ति का निर्माण होता है। सेकंड है परिभ्रूण कोष बीज का अंश होता है, जबकि फल भित्ति जो है वो फल का अंश होता है। थर्ड है परिभ्रूण कोष एक स्तरीय होता है, जबकि फल भित्ति ये तीन स्तरीय होती है। नेक्स्ट डिफरेंस है परिभ्रूण कोष इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है, जबकि फल भित्ति यह सुरक्षा प्रदान करती है और भोजन संग्रह करती है।